हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग M31, जो कि सैमसंग का एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ब्रांड मॉडल है, जो कि सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगे आपको। ऑफलाइन नहीं, मैंने कई स्टोर पे जाके पता किया तो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसे अमेजन से परचेज किया। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, स्क्रीन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, सो मेड इन इंडिया फर्स्ट। कैमरा भी अच्छा है, डिस्प्ले दिखाते हैं इसका। काफी अच्छा है, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको अल्ट्रा वाइड वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल 5.5 का, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। आपको उसका कैमरा चेक करके दिखाते हैं। कैमरा मस्त है इसका। और इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं कैमरा में, लाइव फोकस, लाइव फोटो क्लिक करने के लिए, फिर आपको फोटो वीडियो के लिए फुल वीडियो क्लिक कर सकते हो, 4K, इवन 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके अलावा आप इमोजी वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे आईफोन में आपको मिलता है करने को। फिर पैनोरमा वगैरह, सुपर स्लोमो, स्लो मोशन, तो आपको ये सारे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पबजी थोड़ा लैग करता है, इसमें पबजी उतनी अच्छी नहीं चलती। और इसमें ग्राफिक्स का थोड़े, इसमें कह सकता हूँ मैं, अच्छी ग्राफिक्स नहीं दिया है इस बजट में, और बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है, बट ग्राफिक्स थोड़ा सैड करने वाली है। और कोई दिक्कत नहीं है इस फ़ोन में, एक बार हम चला के देखते हैं। पबजी चल जाती है, बट जब हम रेगुलर खेलेंगे ना, अगर 15 से 20 मिनट और आधा घंटा, तब थोड़ी सी लैग करती है फ़ोन। बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी 12 आवर्स चल जाती है, बस 13 घंटा चल जाती है। अगर रेगुलर आप पबजी खेलते हो तो इतना चल जाती है, अगर आप नॉर्मली फ़ोन वगैरह के लिए यूज करते हो तो फिर आपको 24 आवर्स तो आराम से ही चल जाएंगे। इसकी बॉडी तो बैक जो प्लास्टिक की है, लेकिन फिनिशिंग अच्छी है, ग्रिप है फुल, तो आप विदाउट कवर भी यूज कर सकते हो। तो ये मेरा 30 डेज का रिव्यू था, तो आपको वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना।